If we go by the approximation that has been done, which is almost 30,800 watt chalaks, I think I am confident it would have had a very big positive impact, due to which it must be declared. It must be declared. I would say for the society, the change has to come from within. Unless the people decide that I am not going to use the tobacco product, I think the best way to reduce the ill effects of tobacco usage, we need to focus on the education. More and more people we educate through the school children, through the media, through all possible means. Awareness alone is the best way to bring it down. It may not be possible to totally curb it, but we can make a big qualitative change. There are many people who, after having heard about stories like Anil Kumar, they have given up the usage of food. They go to the doctors say, don't use tobacco. After your problem, don't use cigarettes, your lungs will get spoiled. So all those things when is driven into the mind of people, I'm sure the day comes in their life, they decide. We have seen many people who have reduced the usage of cigarettes drastically. And some who had an excellent determination, they have completely given up on that. There are some parents who have given up for the sake of the children. So it's a combined effect. तो आपने सब जो यही बात हम लोग कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है अगर बैन हो जाए, जब तक ये बैन नहीं होता हम सबको मिलके लगे रहना है सदाई। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, मैंने कहा 50% कैंसर की वजह से होता है, हार्ट अटैक डबल हो जाते हैं, स्ट्रोक्स डबल हो जाते हैं, सर से पैर तक हर बॉडी का ऑर्गन इफेक्ट करता है तम्बाकू की वजह से। तो इसमें जितनी बीमारी तम्बाकू से फैलती किसी से नहीं फैलती, और आज तक WHO ने एक ही ट्रीटी साइन की, वो है FCTC, फ्रेमवर्क कॉटपा एक्ट। रेलवे में स्मोकिंग अलाउड, इससे हर जगह पे इतने लॉज आते हैं बट अनफॉर्चुनेटली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे दिल्ली पुलिस अपना एग्जेम्पलरी काम कर रही है, आज दिल्ली में किसी को बगैर हेलमेट बगैर सीट बेल्ट नहीं दे सकते क्योंकि इतने चालान हुए हैं। जिस दिन ये चीज लागू हो गई चलती चली गई, 2-3 साल में कल्चर शिफ्ट हो जाएगा। पीपल विल नो कि हम नहीं पी सकते, नहीं स्मोक कर सकते, नहीं चू वगैरह फूक सकते। अपने आप अनफॉर्चुनेट असर आता है बीमारी कम होने पर, वो आएगा 10-15 साल बाद, वो हम अभी नहीं देख पाएंगे अगले 2-3 साल में। लेकिन अगर इंसिडेंस कम होगा तो बहुत कुछ नहीं पड़ता है। पेरेंट्स एंड इफ दे हैव टू पे 200 रुपीस
एवरी टाइम दे आर स्मोकिंग इन द पब्लिक देन दे फील द पिंच एंड एट टाइम्स दे से यार तुम लोग तो छोड़वा दोगे हमारी सिगरेट लाइक दैट दिस काइंड ऑफ कमेंट्स वी डू हियर फ्रॉम देम ऑफ कोर्स इट इज अ पॉजिटिव इट हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फाइनेंशियल पिंच इट्स अबाउट समथिंग दे फील दैट यस दे आर नॉट सपोज्ड टू स्मोक इन द पब्लिक एंड मेक इवन द नॉन स्मोकर्स सफर Yeah.